आज हम लहसुन और हरी मिर्च की बनाएंगे चटनी। तो आइए शुरू करते हैं। 1 कप साबुत लाल मिर्च, 2 कप गरम पानी। 2 कप गरम पानी में साबुत लाल मिर्च डालकर हम 2 घंटे के लिए भिगोने रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, लाल मिर्च अच्छे से भीग चुकी है। अब इसको छान लेंगे। ये पानी और लाल मिर्च हमने अलग कर ली है। अब हम मिर्च को पीस लेंगे। मिर्च को पीसते समय हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। आधा कप पानी जिसमें हमने मिर्च भिगाई थी, ये डालकर एक बार फिर से अच्छे से पीस लेंगे। इसी जार में हम 1.5 कप लहसुन डालकर इसे भी पीस लेंगे। लहसुन के साथ 2 टेबलस्पून जीरा भी डाल देंगे, 1 टीस्पून हल्दी। इसे पीस लेते हैं। बीच बीच में जितनी ज़रूरत होगी हम इसमें पानी डाल देंगे। मिर्च के साथ ही हम पिसा हुआ लहसुन भी मिक्स कर देंगे। ये जो बचा हुआ पानी है वो भी इसमें डालकर इसे धोकर हम निकाल लेते हैं। 2 कप पानी में हमने मिर्च को भिगोया था वो पूरा हमने इस्तेमाल कर लिया है। डेढ़ कप सरसों का तेल, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी हम हीट ऑफ कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून ही साथ ही इसमें डाल देते हैं मिर्च और लहसुन का पेस्ट। इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून नमक। अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। अब हीट ऑन कर देंगे। इसमें छींटे आपके ऊपर आने की संभावना रहती है, इसलिए इसे हम ढककर पकाएंगे। इसे हम ढक देंगे और धीमी आंच में पकाएंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे।
काला मिर्च, लहसुन की चटनी हमारी तैयार हो गई है। एक कंटेनर में फ्रिज में रख देंगे और आराम से 3 महीने तक चटनी का आनंद उठाएंगे।